नमस्कार दोस्तों आप सबके स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में तो आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं आपको कि आप कैसे पंजीयन कर पाएंगे या तो आप जो क्यूस आई मिली हुई है उससे भी आप सेम टू सेम सेंट कर पाएंगे और जो भी आप पंजीयन केंद्र लिए हुए हैं सोसाइटी से वो भी सेम टू सेम सेंट पंजीयन एक से होते हैं दोस्तों जैसे कि मेरे एक दोस्त ने पूछा था कि भाई पंजीयन कैसे करते हैं तो मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ और आपको भी आशा करता हूँ कि ये वीडियो हेल्पफुल रहे होगी तो सबसे पहले क्या करना है आपको तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है पोर्टल को लॉगिन कर लेना है लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है इस तरह से आपके पास डिस्प्ले शो होने लगेगी इसके बाद आपको क्या करना है मास्टर में जाना है मास्टर ऑप्शन में आपके पास दो ऑप्शन यहाँ रहे होंगे नया किसान पंजीयन का और एक पारता पर्ची का ये जो है पंजीयन केंद्र के लिए रहते हैं पी किसान से खसा जुड़े और ये अभी देखा नहीं है मैंने कि शायद कि उसके बालों में ये ऑप्शन आया है कि नहीं आया है शायद आ जाएगा जल्दी से तो आपको नए किसान में जाना है और इस ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो किसान पंजीयन का जो भी फॉर्म ओपन होता है उसको भरना होता है तो देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपके सामने फॉर्म आ जाएगा अब यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है जो भी किसान है उनका तो यहाँ पर आधार नंबर टाइप कर दीजिए जैसे ही आधार नंबर आप टाइप करेंगे तो एंटर मार दीजिए एक बार तो यहां कन्फर्म आधार में ऑटोमेटिक चढ़ जाएगा यहां देख सकते हैं दोस्तों ये आधार नंबर ऑटोमेटिक चढ़ गया है यहां नाम भी ऑटोमेटिक यहां सो जब करेगा जब आप फिंगर जो पोर्टल है उससे फिंगर लगा लेंगे और फिंगर के बाद ये ऑटोमेटिक नाम बल्दियत आ जाती है यहाँ लिंक भी आपका ऑटोमेटिक शो करने लगता है यहाँ अगर आपका आधार नंबर लिंक है मोबाइल नंबर लिंक है आधार से तो वो यहाँ पर टाइप कर दीजिए यहाँ समग्र आई डी सदस्य आई चढ़ाना है आपको और यहाँ जो भी आप वर्ग यानी के कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर चूज कर लीजिए तो मैं यहाँ नंबर टाइप कर देता हूँ मैं वो भी बता देता हूँ कि आपको फिंगर कैसे लगाना है और देखिए अगर आप इतना सारा फील करने के बाद यहाँ अगर आपका आधार से मोबाइल नंबर लिंक है तो यहाँ ओ टी सेंड करने के लिए बोलेगा अगर नहीं है तो आप पहले फिंगर वाले पोर्टल से फिंगर उसका आ, लगवा लें किसान का फिर यहाँ पर सारी जानकारी टाइप करेंगे तो ये सारा इस तरह से मीटर तर, ओपन हो जाएगा वो कैसे करना है आपके पास शायद पोर्टल उपलब्ध हो गया होगा आपने कर लिया हुआ तो मैं बता देता हूँ सबसे पहले आप मंत्रा का चलाते हो चाहे स्टार्टिक का वो पोर्टल ओपन कर लीजिए कुछ इस तरह से रहेगा तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपके सामने एक पोर्टल उपलब्ध हो गया होगा आपने डाउनलोड कर लिया होगा अगर नहीं डाउनलोड किया है तो ये इसी पोर्टल पर मुख पेज पर पे जो लिंक दी गई हो वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा उसको इंस्टॉल कर लीजिए इंस्टॉल कैसे करेंगे मैं ये अगली वीडियो में ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा तो इसको आप लॉगिन कर लीजिए जिस भी आप यहाँ सोसाइटी की आईडी या आपको कि आईडी मिली होगी वो यहाँ पर टाइप कर लीजिए टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है जो भी आपका पासवर्ड हो और यहाँ पर लॉग कर लेना है जैसे ही लॉग कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपके सामने सो दिखाई देने लगेगा फॉर्म का यहाँ पर आपको आधार नंबर टाइप करना है तो यहाँ पर आप आधार नंबर किसान का टाइप कर लीजिए यहां पर वही रीटाइप करना है तो यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए और यहाँ वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिए जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो मंत्रा डिवाइस है वो यहाँ पर जल जाएगी और यहाँ पर उसका थम्स थंग, लगवा दीजिए फिंगर तो ये कैप्चर कर लेगा। कैप्चर करने के बाद ये यह ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाता है उसका यूजर नेम मोबाइल नंबर नहीं होता गार्डियन नेम डेट ऑफ बर्थ जेंडर एड्रेस पिन कोड ये सब देखिए ये इसलिए मैसेज दे रहा है कि मैं यहाँ पहले से ट्राई कर लिया हूँ एक बार क्योंकि जब मैं सेटअप कर रहा था तो मैं अपना ही पहले चेक किया था इसलिए वेरीफाइड इसलिए बता रहा है तो दोस्तों जैसे ही आप किसान का लगाएंगे तो यहाँ पर सारी डिटेल्स फिल होकर आ जाएगी और इस तरह से अगर आपको नए किसान का जोड़ना है तो यहाँ पर न्यू करेंगे और फिर से वही आधार नंबर टाइप करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह से यहाँ केवल वेरीफाई होगा आपका वेरीफाई होने के बाद यही आधार नंबर आपको दोस्तों ये इस पोर्टल पे टाइप करना है आधार नंबर पे तो ये सारी जानकारी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी इतना फिल करने के बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए और इसे सेव पे क्लिक कर दीजिए जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ अधिकतर नॉमिनी की जानकारी के लिए चेक करें अगर आपका जो भी किसान है वो गेहूं बेचने नहीं जा पाता है किसी कारणवश या तो वृद्ध है तो या लेडीज वगैरह हैं तो यहाँ नॉमिनी में उसके पुत्र का आप डिटेल फीस कर सकते हैं पति का भी इतनी जानकारी के बाद आपको यहाँ पूछेगा भू अभिलेख खसरा के लिए भू स्वामी का प्रकार तो ये आप किस प्रकार का पंजीयन कर रहे हैं स्वयं का कर रहे हैं या सिकमी बटाई का कर रहे हैं तो ज्यादातर किसान स्वयं के लिए आते हैं तो यहाँ स्वयं का प्रकार चुने इसके बाद ये फिर एक बार रिफ्रेश होगा रिफ्रेश होकर दोबारा पूछेगा भंडारण स्थल के बारे में तो आपको भंडारण स्थल चुनना है थोड़ा सा मैं शाम को टाइम निकाल पाता हूँ वीडियो बनाने के लिए तो और तभी ये साइट स्लो चलती है इसलिए दोस्तों इतना दिक्कत हो रही है दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है भंडारण स्थल सेलेक्ट करना है यहाँ पर आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं मैं खेत खलियान सेलेक्ट कर देता हूँ इसके बाद यहाँ पर आपको तहसील सेलेक्ट करना है जिस जिले का आप क्यों लिए होंगे वो जिला यहाँ से यहाँ पर रहेगा अन्य जिला आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं तो मैं यहाँ तहसील के लिए फलिया सेलेक्ट कर देता हूँ फिर ये रिफ्रेश होगा एक बार और राजस्व ग्राम की लिस्ट यहाँ पर सर्च करके लाएगा इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जिस गांव का पंजीयन कर रहे हैं वो गांव सेलेक्ट कर लीजिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर दोस्तों अगर आपका जो भी पीएम सम्मान निधि से खसरा लिंक होंगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिक खुल जाएंगे और अगर आपके पीएम किसान सम्मान निधि से लिंक नहीं होंगे खसरा तो इस तरह का मैसेज आ जाएगा इसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पर मैनुअली सर्च करना है जो भी यहाँ पर सर्च कर ले करना होगा यहाँ पर खसरा नंबर आप सर्च कर लीजिए जो भी किसान के खसरा नंबर हो मैं केवल आपको बताने के लिए ये वीडियो बना बता रहा हूँ इसके बाद यहाँ पर जो भी खसरा नंबर हो सर्च कर लें तो इस प्रकार से आपके लिए सर्च हो जाएगा यहाँ पर टिक कर लें और यहाँ पर अगर अन्य हिस्सेदार हैं तो वो यहाँ पर जितना भी इनका हिस्सा बन रहा हो किसान का वो यहाँ पर टाइप करें और यहाँ पर सिंचित अनुमान मात्र ज़रूर टाइप कर लें जैसे इसमें कोई भी हिस्सेदार नहीं है तो पूरा टाइप कर दें और यहाँ भूमि की जानकारी जोड़ी पर क्लिक कर दें तो इस प्रकार से ये खसरा जुड़ जाएगा और जितने भी खसरा किसान के हैं वो जोड़ते जाएं और लास्ट में यहाँ पर टिक करना है आपको और एक किसान का सत्यापन पर क्लिक टिक करना है इसके बाद यहाँ पर सेव करना है तो आपका पंजीयन जो है वो सफलतापूर्वक सेव हो जाएगा और यहाँ पंजीयन का कोड शो करने लगेगा तो दोस्त इस तरह से आपका पंजीयन बन के पूर्ण हो जाएगा तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो में क्या क्या कमी दिखाई दी तो मैं अगली वीडियो में वो सुधारने की कोशिश करूंगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद